हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल प्राची स्टडी। आज आम फास्ट पढ़िया इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर विषय में आम कि उपकर्म पढ़िया। तो कौन कौन पढ़े, तो चैप्टर कौन कौन कवर करे, तो चैप्टर कवर करे व्हाट इज ए कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर, मैंने केते प्रकार कंप्यूटर अच्छे, कंप्यूटर क्या कहते, कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन, गोटे मनीष कंप्यूटर मध्य कौन कौन पार्थक्य अच्छे, आम से विषय में पढ़िया। तो चल आम प्रथम पढ़े, फास्ट पढ़े कौन देखिए ह्वाट इज कंप्यूटर। तो ह्वाट इज कंप्यूटर पढ़िया कौन, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड इट सॉल्व्स डिफिकल्ट टास्क विद इन द लेस टाइम। से कौन देखिए फास्ट आम देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहवाक गले कौन ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम क्या कहुए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ताक कहुए जोटा आम इलेक्ट्रिक मध्यम चले, इलेक्ट्रिक मैंने हो लाइन लाइन मध्यम जे सब जिन चले आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोली कही था। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर, से कंप्यूटर वर्डटा आम कौटू आसी, कंप्यूटर शब्दा क्योंथ आसी ना कंप्यूटर शब्दा कंप्यूट वर्ड रु आसी। तो कंप्यूटर मीनिंग कौन बात माने कौन, कंप्यूटर मीनिंग हूँ टू कैलकुलेट, मैंने हिसाब किताब कहुए टू कैलकुलेट। ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड इट सॉल्व्स डिफिकल्ट टास्क विदिन द लेस टाइम। कंप्यूटर कौन बहुत बहुत काम करते, बहुत हार्डवर्क करते, से सब जिनस गोटे चुटकी समाधान कर दिए से देखे एंड इट सॉल्व्स डिफिकल्ट टास्क विदिन द लेस टाइम। ए कंप्यूटर परफॉर्म्स मेनी फंक्शन एट द सेम टाइम, वी कैन लिसन टू द म्यूजिक, प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर, राइट लेटर्स, चेक स्पेलिंग, डू कैलकुलेशन एटसेट्रा ऑन ए कंप्यूटर। इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा एंड द इनफॉरमेशन। से कहते जो कंप्यूटर एका सांगे कंप्यूटर ऑन होता सांगे एका सांगे कौन आम म्यूजिक भी सुनी पार, आम गेम भी खेली पार, पिक्चर भी आम ड्रॉ कर पार, राइट भी राइटिंग भी कर पार, एवं राइटिंग भी जो स्पेलिंग मिस्टेक थे भी कौन आम चेक कर पारिया। तापर देख दीजिए कंप्यूटर हैज फोर मेन टास्क टू द व्हिच हेल्प टू द परफॉर्म टू द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर पुणी किछो रे जिनिस थिवा ना जो थी कि कंप्यूटर को एते फास्ट फास्ट फंक्शन करछे, तो सेगुडा कोन कोन ना इट एक्सेप्ट्स डाटा गिवन बाय द यूजर इनपुट कह जाए, मैंने आम जे कौन से डाटा दे था ताको इनपुट कह जाए। इट वर्क्स ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, आगे कौन कहते हैं प्रोसेसिंग। इट गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, से जो रिजल्ट दे था ता स्क्रीन रे ताको कह जाए आउटपुट, एवं से रिजल्ट गुड़ा कोड़ स्टोर ही रही था ना स्टोरेज रे। इट स्टोर्स रिजल्ट हूँ कौन स्टोरेज। तापर कौन दे देख तपे विभिन्न प्रकार चित्र दीजिए चित्र मध्यम से कहे कौटा कौन बोले। तपर कौन दीजिए सीपीयू, सीपीयू को कहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड द स्टोर्स रिजल्ट, आम जो डाटा आम टाइप करता या मध्यम कौन ये आमको रिजल्ट देखे। तो यही जो बक्सटा आम देखे बक्स को कौन कहे सीपीयू, ये जो डेस्कटॉप देखुचे जो आम जो लैपटॉप देखुचे जो आम कंप्यूटर बोले काम करते कौन कह मॉनिटर। इट डिस्प्ले रिजल्ट, आम जेकोसी जिनस करते तार सब रिजल्ट कौन सब ये स्क्रीन उपर देखा तो लिखाई है इट डिस्प्लेस रिजल्ट। तो कीबोर्ड इट अलाउज टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर, ये जो कीबोर्ड हो कीबोर्ड आम जेकोसी जिनस टाइप करू बा लिखू आम या मध्यम लिखी थे जहाँकि स्क्रीन आमको देखाए ताको कौन कह कीबोर्ड। तापर कौन कहते माउस, इट अलाउज टू अस सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। माउस द्वारा कौन करें ना आम इपट सेपट कर पारे गोटे लेटर को बाम पट को आनी पारे डाण पट को नहीं पारे ऊपर को आनी पारे तल को आनी पारे। तापर देखिए कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन, मैंने आमर कौन कौन पार्थक्य रही है गोटे कंप्यूटर आ गए मनुष्य भितर चल देखिए। देयर आर मेनी डिफरेन्स बिटवीन कंप्यूटर एंड द ह्यूमन बीइंग्स, सम ऑफ देम हैव बीन गिवन बिलो। तो भितर किसी जिन देखिए ये मैन कौन कर मैन पढ़ुचे सी देखिए ह्यूमन नीड्स मूव टाइम टू द सेम वर्क, बट ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मेनी जॉब एट द सेम टाइम। मनुष कौन बसिक गोटे जगह पढ़ुचे कि कंप्यूटर कौन कहना से ही पढ़ा से गोटे मिनिट्रे से करदेगा। तापर देखिए ह्यूमन्स मैंने फॉरगेट द इनफॉरमेशन स्टोर इन द माइंड, ए कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द इनफॉरमेशन एंड नेवर फॉरगेट इट। देखिए ह्यूमन कौन करे ना बहुत जिनस अच्छे जोटा कि से बहुत शीघ्र भूली जाए किंतु गोटे कंप्यूटर के भी से भूली ना से बहुत जिनस कंप्यूटर स्टोर होकर रखी था। तो देखिए ह्यूमन नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर द सम टाइम, मनुष्य मैंने कौन करते ना किसी काम कर सारापर से आराम करने चाहते किंतु कंप्यूटर के भी आराम करे। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर द लॉन्ग आवर्स,
ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक मनुष्य मैंने कौन किसी भूल कर पारती किंतु कंप्यूटर के भूल कर पारे नहीं कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक तब से जैसे ह्यूमन कैन टेक देयर ओन डिसीजन मनुष्य कौन तो निज हिसाब से कंप्यूटर को चलेब से जब चाहे गीत चले गीत लगे कथा गीत लगे जब चाहे गेम खेल गेम खेल कि कंप्यूटर कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट ओन डिसीजन कि कंप्यूटर के निज हिसाब से चले ना तापर दिस ह्यूमन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क बट ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर्स तापर देख दीजिए टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर मैंने कितने प्रकार आमर कंप्यूटर अच्छे कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन शेप एंड द साइज इ डिफरेंट काइंड ऑफ द कंप्यूटर्स आर यूज टू डू डिफरेंट पीस ऑफ द वर्क लेट अस लर्न मोर अबाउट द सम ऑफ देम तो आम कौन कौन क्यों क्यों प्रकार कंप्यूटर अच्छे क्यों क्यों प्रकार कंप्यूटर आम व्यवहार करुच्छे विषय ये कहुए प्रथम दिखे डेस्कटॉप यहाँ हूँ कौन डेस्कटॉप कंप्यूटर दिस इज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज दे आर केप्ट ऑन द डेस्क इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी टेकन हियर एंड देयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी ये पर्सनल कंप्यूटर आम देखुचे आपको आम पीसी कही था पर्सनल कंप्यूटर पीसी मीनिंग हूँ पर्सनल कंप्यूटर ये कंप्यूटर को आम कौन क्यारी करके नहीं पारे मैंने आपको कौन रखापी गोटे टेबुल दरकार से लैपटॉप दिस इज ए लैपटॉप कंप्यूटर इट इज स्मॉल इन साइज इट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैप ए लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी क्यारिड ए अराउंड इजिली इट वर्क्स ऑन ए बैटरी वी कैन चेंज द बैटरी लाइक वी डू टू ए मोबाइल फोन ए लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड द नोटबुक ऑफ द कंप्यूटर तो लैपटॉप कंप्यूटर को आम कौन आम जो जगह को जाओ आम तक आराम से क्यारी करके नहीं पारू बैग्रे नहीं पारू यहाँपाई कौन कौन से टेबुल आवश्यकता नहींपर पढ़ा कौन प्लैपटॉप कंप्यूटर दिस इज ए प्लैपटॉप कंप्यूटर इट इज इवन स्मॉलर देन द लैपटॉप कंप्यूटर इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी केप्ट ऑन आवर प्लाम से कहते हैं प्लैपटॉप कंप्यूटर कौन ये लैपटॉप कंप्यूटर ठार बहुत सहज आपको आम कौन हाथ पापुलर आम यूज कर सरगल तो चल आम एक्सरसाइज करा हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द माय चैनल आज आम कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर पढ़िया फोर्थ क्लास कौन इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर एक्सरसाइज करें तो आम फर्स्ट एक्सरसाइज करें फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ कौन हम ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ कौन ए कंप्यूटर कौन स्टोर कर पारे लॉट ऑफ डाटा एंड इनफॉरमेशन कौन हम डाटा एंड इनफॉरमेशन डाटा एंड इनफॉरमेशन तब सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन दिखे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टाइप ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सेकंड क्वेश्चन कौन हम कीबोर्ड क्या कीबोर्ड द्वारा ही आम सब टाइप कीबोर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर तो तीन नंबर क्वेश्चन देखिए ए कंप्यूटर नेवर मेक डैश कौन ए कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक कौन ए कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक तब चार नंबर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन देखो चार नंबर क्वेश्चन कौन देखो चार नंबर क्वेश्चन हुई चार नंबर तो फॉलोइंग अलाउज अस टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन आंसर कौन हम आम माउस आंसर कौन हम चार नंबर आंसर हम आम माउस हम पांच नंबर देखिए हुई वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज केप्ट ऑन द डेस्क कौन हम आम डेस्कटॉप हम पांच नंबर आंसर हम कौन हम आम डेस्कटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट हम तप दिन नंबर को जी देख देखा दु नंबर देखिए टिक द्वारा ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट द फर्स्ट देखिए कंप्यूटर नीड्स मोर टाइम टू डू सेम वर्क कौन हम यहाँ हम आम भूल हम
দেখছি যে এই কম্পিউটার নিডস মোর টাইম টু ডু দ্য সেম ওয়ার্ক, আনসার কেন হবে, আনসার হবে আমার ভুল হবে। তারপর 2 নম্বর দিয়েছে যে হিউম্যান বিংস ক্যান টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, কারণ ঠিক হবে। তারপরে ল্যাপটপ কম্পিউটার ওয়ার্কস অন এ ব্যাটারি, কারণ এই ব্যাটারি দ্বারা কাম করে তাকে এটা ঠিক হবে। 4 নম্বর দিয়েছে যে কম্পিউটার নিডস রেস্ট আফটার ওয়ার্কিং ফর দ্য সাম টাইম, ভুল, কেন কম্পিউটার কেবে ভেবে আমার রেস্ট নিয়ে নেই। তারপরে দেখো দিয়েছি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য সুইটেবল ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য ব্লক, ড্যাশ কম্পিউটার ইজ স্মলার দেন দ্য ল্যাপটপ কম্পিউটার, কম হবে আমার আনসার, আমার আসবে ল্যাপটপ কম্পিউটার। তারপরে 2 নম্বর দিয়েছি যে কম্পিউটার স্টোর লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ড্যাশ অ্যান্ড নেভার ফরগেট ইট, কম হবে আমার ইনফরমেশন। 3 নম্বর দিয়েছে যে হিউম্যান ক্যান মেক কোন ফিলিংস হবে। তো দিয়েছি দ্য ওয়ার্ড কম্পিউটার হ্যাজ বিন ডিরাইভ ফ্রম দ্য ওয়ার্ড কোন হবে কম্পিউট, কোন হবে কম্পিউট। তো দিয়েছি কম্পিউটার ডজ নট হ্যাভ এনি মিস্টেক, কারণ কম্পিউটার কেবে ভেবে আমার মিস্টেক করে নাই। তারপর দেখো 4 নম্বর কোশ্চেন দিয়েছি যে আনসার দ্য গিভেন বিলো, আনসার দ্য কোশ্চেন গিভেন বিলো, হাউ ইজ এ কম্পিউটার হেল্পফুল টু আস, হাউ ইজ এ কম্পিউটার হেল্পফুল টু আস, আমার আনসার কোন হবে এ কম্পিউটার হেল্পফুল টু আস বিকজ এ কম্পিউটার পারফর্মস মেনি ফাংশন আট দ্য সেম টাইম, কারণ কম্পিউটার সবু প্রকার ফাংশন করে, কারণ গোটে টাইমে সবু প্রকার জিনিস সে ক্যাপচর করে, তেমনি আনসার হবে কম্পিউটার হেল্পফুল টু আস বিকজ এ কম্পিউটার পারফর্ম মেনি ফাংশন আট দ্য সেম টাইম। তা 2 নম্বর কোশ্চেন দিয়েছি, 2 নম্বর আমার কোশ্চেন দিয়েছে দেখি হুইচ পার্ট অফ দ্য কম্পিউটার গিভস আস দ্য ডিজায়ার্ড রেজাল্ট অন দ্য স্ক্রিন, তো আমার আনসার কোন হবে দ্য পার্ট অফ দ্য কম্পিউটার গিভস দ্য ডিজায়ার্ড রেজল্ট অন দ্য স্ক্রিন আর কোন আউটপুট, আউটপুট হিঁ আমার যে কম্পিউটরে আমি যেকোনো ফাংশন করতে তার যে রেজল্ট বাড়ি কোন আউটপুট উপরে হিঁ থাকে। তারপর 3 নম্বর কোশ্চেন দিয়েছে যে রাইট এনি 3 ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য হিউম্যান বিং, দেখো দ্য 3 ডিফারেন্স বিটুইন কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য হিউম্যান বিংস আর হিউম্যান বিংস, হিউম্যানস ক্যান মেক এ মিস্টেক, কারণ লোকমানে বা হিউম্যানস কে আমি মানুষমানকে বুঝে মানুষমানে কোন ভুল করে, কিন্তু কম্পিউটার কেবে ভুল করে পারে না, এই কম্পিউটার ডজ নট মেক এনি মিস্টেক। তারপর দেখছি যে হিউম্যান ক্যান টেক দেয়ার ওন ডিসিশন, আমি মানুষমানকে নিজের চিন্তাধারা নিজ হিসাবে আমি নিজে ডিসিশন নিয়ে পারে, বাট এ কম্পিউটার ক্যান নট টেক ইটস ওন ডিসিশন, কিন্তু গোটে কম্পিউটার কিন্তু কেবে তার ডিসিশনরে সে কাম করে না, তাকে ইউজর যে কাম কহিথায় করা সেই কাম হিঁ করে। তারপর 3 নম্বর দিয়েছি হিউম্যান ডজ নট নিড এনি অর্ডার টু ওয়ার্ক, মানে আমি লোকমানকে কিছু অর্ডার দিয়ে পারি না যে তুমি এতি কাম করছো, কারণ তাঙ্ক হিসাবে সে কাম করবে, কিন্তু আমি কম্পিউটরকে কোন অর্ডার দিয়ে পারি, যদি আমি জন হিউম্যান যদি জন মানুষ আমি কম্পিউটরকে অর্ডার দেওয়া দেওয়া যায় না, যেতিকটা ডাটা ফাইল হবে তো হবে, তো আমি কম্পিউটর ওয়ার্কস অন হিউম্যান অর্ডার, সেমান মানুষমানক অর্ডারে কাম করতে। তারপরে দেখো পিলে মানে আমার ওরার কোশ্চেন গোটে আসছে দেখছি হোয়াট ইজ কম্পিউটার, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ল্যাপটপ অ্যান্ড দ্য ল্যাপটপ, তো হোয়াট ইজ কম্পিউটার আমি তো জানছো কম্পিউটার ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস, তারপর ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য ল্যাপটপ কম্পিউটার, তো দ্য ল্যাপটপ কম্পিউটার স্মল ইন সাইজ, ইট ক্যান নট বি কেপ্ট অন আওয়ার ল্যাপ, বট দ্য ল্যাপটপ কম্পিউটার ভেরি স্মল ইন দ্য সাইজ অ্যান্ড ক্যান বি কেপ্ট অন অন ল্যাপ, দেখছি ল্যাপটপ কম্পিউটার কোন বহুত বড় সাইজ আমি তাকে পাপুলিরে ধরে পারি না, কিন্তু আমরা ল্যাপটপ কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কম্পিউটার কোন সেই আমার পাপুলি সাইজের আমি তাকে আরামসে পাপুলিরে ধরিকি আমি যেকোন জায়গাকে ক্যারি মধ্যে করে পারি, তো সে দেখছি যে বট দ্য ল্যাপটপ কম্পিউটার ভেরি স্মল ইন সাইজ অ্যান্ড ক্যান বি কেপ্ট অন আওয়ার প্ল্যাম। থ্যাংক ইউ।